नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और एक न्यू वैकेंसी के बारे में। न्यू वैकेंसी यहां पर जो है एम्स भोपाल की ओर से निकल कर आ रही है 2023 के लिए। यहां पे जो है नॉन फैकल्टी की पोस्ट जो है आ चुकी है, ठीक है। जहाँ फिर टाइम से यहाँ पर वेट था कि कब यहाँ पर इसकी जो है पोस्टें आएंगी, फाइनली यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हुआ है। कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कौन से यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कितनी फ़ीस लगेगी और सैलरी क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए। चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की और सारी चीज़ यहाँ पर चेकआउट हम लोग कर लेते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, सबसे पहले आपको जॉब अपडेट्स मिलती रहे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको आ जाना है। उसके बाद आप लोग को वैकेंसी सेक्शन में चले आना है। जैसे आप वैकेंसी सेक्शन में जाएंगे नीचे आपको जो है इसका सीरियल नंबर देखने को मिलेगा 170, ठीक है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा, ग्रुप सी नॉन फैकल्टी पोस्ट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस ऑफ एम्स भोपाल। आपको यहाँ पर डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फाइनली आपके सामने यहाँ पर जो है 23 पेज का PDF जो है आ जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हुआ है 30/9/2023 को। यहाँ पर नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आ चुका था। यहाँ पर जो किसी कारण के वजह से यहाँ पर जो मैं वीडियोज़ इसकी जो है पहले नहीं लेकर आ पाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन कब आ गया था, 30/9/2023 को यहाँ पर आ चुका था। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो है आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। पूरा यहाँ पर जो है टेबल दिया गया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पर, लेवल पे कितना आपका रहेगा, UR, OBC, SC, ST, EWS की कितनी यहाँ पर कितनी पोस्ट दी गई हुई है, वो सारी चीज़ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। सोशल वर्कर की यहाँ पर जो UR की दो पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है अटेंडेंट मल्टीटास्किंग यहाँ पर आपको 7 पोस्ट देखने को मिल जाती है। टोटल यहाँ पर आपको जो 40 पोस्ट देखने को मिल जाती है। लोअर डिवीजन क्लर्क की 32, स्टेनोग्राफर की जहाँ पर जो 34, आपको ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पर जो 16 देखने को मिल जाती है। उसके बाद जूनियर वार्डन, हाउसकीपर की यहाँ पर जो है 10, अपर डिवीजन क्लर्क की 2 पोस्ट देखने को मिल जाती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर जो आपको 2 पोस्ट देखने को मिल जाती है। जूनियर स्केल स्टेनो की अगर आप पोस्ट देखें तो यहाँ पर 1 पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फायर सिक्योरिटी कम फायर जमानदार की पोस्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो स्टोर कीपर कम क्लर्क की आपको पोस्ट देखने को मिल जाती है 85। टोटल यहाँ पर जो है 233 पोस्ट हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको नेम ऑफ पोस्ट के लिए सुटेबिलिटी फॉर द कैटेगरी दी गई हुई है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया था इंस्टीट्यूट बिल्डर नॉट इंटर टू अ कॉरस्पॉन्डिंग टू द कैंडिडेट सक्सेस मैटर एलिजिबिलिटी क्लाइट एनिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्शर 1 में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा आपको चेकआउट करने को मिल जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई हुई है जहाँ से यहाँ पर जो है आप लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, तो 6/10/2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है। क्लोजिंग डेट यहाँ पर कब है, तो 30/10/2023 यहाँ पर दी गई हुई है। तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर वेट था कि नॉन फेडरेटी के लिए कब पोस्ट आएगी, फाइनली यहाँ पर जो है ये पोस्ट आ चुकी है। PDF कॉपी टू अ प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू रिक्वायर्ड। आप जब इसका फॉर्म भरेंगे तो आपको इसका PDF निकलवा लेना है, ठीक है। बाद में यहाँ पर इसका जो है इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएगा पीरियड फॉर एक्सपीरियंस वेयर प्रिसीड टू शैल बी कंटेडेड आफ्टर ऑप्टेनिंग द प्रिसीवर्ड क्वालिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हुई है, ठीक है। आप अप्लाई करने से पहले इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर यहाँ पर जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर आप डिटेल्स देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया प्रोवेशन के बारे में आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप नीचे सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, जिससे किस तरीके से यहाँ पर जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम होने। तो CBT टेस्ट यहाँ पर आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं CBT कंसीडर टू द मैनर ऑफ डिटेल इन सेक्शन यहाँ पर जो है 4th, ठीक है। कैंडिडेट द क्लियरिंग द CBT विल बी सब्जेक्ट टू स्किल टेस्ट अप्लाइंग टू द स्किल टेस्ट द क्वालिफाइंग नेचर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाती है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, 1.3 बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। उसका फाइनल यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिजल्ट इस तरीके से रिलीज किया जाएगा। डिटेल ऑफ CBT टेस्ट यहाँ पर दिया गया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिजन, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से पूरे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 100 नंबर का होगा, 100 यहाँ पर जो है आपको 100 क्वेश्चन MCQ और जिसमें 90 मिनट दिए जाएंगे। मेरिट यहाँ पर निकाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट और CBT। अगर आपका कोई क्वेश्चन जैसे आंसर आपका गलत जाता है, ठीक है, उस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे 0.25 की भी जो है माइनस मार्किंग रखी गई हुई है, ठीक है। बाकी टेस्ट सेंटर यहाँ पर कहाँ रहेगा, तो आप देख सकते हैं द एडमिट कार्ड इंस्टीट्यूट टू द कैंसल्ड और विदाउट एसिंग एनी रीजन द नॉट रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन CBT सेंटर अलॉटेड टू द इंगेट टू कैंडिडेट अपेयरिंग टू अलॉट द सेंटर रिजन हर अरेंजमेंट टू एक्सपेंसिस। इस चीज़ की यहाँ पर डिटेल्स दी गई हुई है। अब ई एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज आपका कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको सेंड नहीं किया जाएगा, आपको खुद ही ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।
हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर दिया गया हुआ है। बाकी आंसर की के बारे में आप लोग डिटेल देखने को मिल जाती है। अगर आंसर की में आपको यहाँ पे कोई जो है इसमें, अगर आप लोग यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं यार यह क्वेश्चन हमारा जो है सही था, ठीक है इस आंसर यहाँ पर हमारा सही था, तो आप लोग यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन है उठा सकते हैं। बाकी आपको ऑब्जेक्शन की लिंक भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वेब लिंक टू द पोर्टल टू अ पेमेंट ₹50 प्लस GST पर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर रखा गया हुआ है। उसके बाद रेजोल्यूशन फॉर टाई केसेस दिया गया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन निकाला गया हुआ है, जिसमें आप ए सेक्शन भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप OBC से आते हैं, NCL PWBD से आते हैं, तो आपको इसमें ए सेक्शन भी देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम स्क्रॉल कर ले तो डिटेल्स में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसके बाद आपको फीस के बारे में बता देता हूँ, कितनी फीस लगेगी। तो जनरल OBC EWS से यहाँ पर जो है ₹1200 लिए जा रहे हैं, और SC ST PWD के कैंडिडेट से यहाँ पर ₹600 की फीस ली जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड वो अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है इसमें फोटो आपकी लगेगी, वैलिड ईमेल आईडी आपका लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा, फोटो सिग्नेचर यहाँ पर ही अपलोड होंगे। तो सिंपल प्रोसेस यहाँ पर रखा गया हुआ है। जैसे इसकी जो है फॉर्म की डेट स्टार्ट होगी 6 तारीख को, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप फॉर्म भरें तो आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपकी जो गलतियाँ ना करें। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, जिससे आपको अप्लाई कर लेना है। नेम और पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 12th पास यहाँ पर आपसे मांगा गया है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस और सोशल वर्कर। अब एज क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से सारी पोस्ट दी गई है, और इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 पेज का नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो मैंने सारी आपको क्लियर कर दी है। अभी अगर आपको डाउट्स है, कोई आपकी क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में सारे जवाब दे दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड, इसी तरह की सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह की जॉब वीडियोस लेकर आता रहूँ। मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।